नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। आज दिन शुक्रवार, मैं विश्वास चौरसिया, आइए सुनते हैं लोकल न्यूज 24 के लिए रोहतास जिले से रिपोर्टरों की रिपोर्ट। दावत पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका वंदना रानी ने बताया कि चमकी बुखार से बचने में यह टीकाकरण रामबाण है। मौके पर एनएम अंजू कुमारी, आशा कुमारी ललिता कुमारी उपस्थित। रोहतास जिले में एक पुल निर्माण को लेकर भाजपा सांसद व जदयू विधायक हुए आमने सामने, एक दूसरे पर कर रहे हैं जुबानी वार प्रहार। लगातार बारिश होने से रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के तिलौथू पूर्वी पंचायत का वार्ड नंबर 4 में पानी भरने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीण को। तिलौथू प्रखंड के अमझोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नायका गांव और निमियाडीग तुम्बा चितौली पथ तेज बारिश में टूट गई। यह पथ निमियाडीग चितौली व तुम्बा के सैकड़ों गांवों को जोड़ती है। इसी रास्ते से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का सासाराम से आने जाने की सुविधा है। रोहतास जिले के अग्रे थाना परिसर में जमीनी विवाद के लेकर निपटारा के लिए शनिवार को लगाया जाएगा जनता दरबार, सासाराम अंचलाधिकारी रहेंगे मौजूद। पठान टोली में महिला की मौत मामले में मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के सोनडीला में बसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने व सुविधा मुहैया कराने का डीएम ने दिए निर्देश। रोहतास में 684 भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का शीघ्र होगा भवन, उप विकास आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद ने जारी किया निर्देश। रोहतास जिले के सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। सासाराम में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिला प्रशासन ने पोषाहार की सभी राशि DBT के माध्यम से भेजने का काम किया शुरू।